પાંડેસરા પોલીસ અને સુરતશહેર અલગ્ર વિસ્તારોમાંથી ચોરી થયેલા વાહન ચોરીના 11 ગુનાનો ભેદ ઉકેલી પાંડેસરા પોલીસે 7 આરોપીઓ તથા કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા 2 બાળ કિશોરને પકડી પાડ્યા હતા. પોલીસે ચોરીના 15 વાહનો કબજે કર્યા છે. પાંડેસરા પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી વાહન ચોરીના ગુનાઓ શોધી કાઢવા કામગીરી શરૂ કરી હતી. પોલીસે અલગ અલગ ટીમો દ્વારા ટેકનિકલ વર્કઆઉટ, હ્યુમન સોર્સિસ તેમજ બાતમી હકીકતના આધારે પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનના તેમજ સુરત શહેરના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા વાહન ચોરીના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલી 7 આરોપીઓ તથા કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ 2 બાળ કિશોરોને પકડી પાડ્યા હતા. પોલીસે આરોપીઓની પૂછપરછ કરતા પાંડેસરામાંથી 6, ઉધનામાંથી 2, અલથાણ, સરથાણા અને મહારાષ્ટ્રમાંથી 1 વાહન મળી 15 વાહનો ચોરી કર્યા હોવાની કબૂલાત કરી હતી. આ પોલીસે 11 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલી કાઢ્યો છે. સુરત સિટીથી પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારથી जो टीम है डी स्टाफ की, उन्होंने अभी 15 बाइक हैं चोरी की, वो रिकवर की हैं और 7 आरोपी और 2 बाल किशोर इनको इनकी पहचान की है. उसमें जो 7 आरोपी हैं उनको अभी डिटेन किया गया है और जो बाल किशोर हैं उनका रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है जुवेनाइल जस्टिस ऑफिसर के द्वारा और जो JJB को भेजा जाएगा. ये जो आरोपी हैं उनका नाम है सरवण उर्फे सोनू, ये अटार गांव वलसाड़ का रहने वाला है. सतीश सुंदर भाई हड़पति, ये चिखली नुसारी का रहने वाला है. किशन किरण भाई प्रजापति, ये गाजीपुर यूपी का रहने वाला है. ये तीनों एक साथ मिलके चोरी करते थे. दूसरा जो ग्रुप पकड़ा है उसमें भरत भाई महाजन पटेल, ये प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला है. किशोर अमर भाई परमार, ये सरदार नगर अहमदाबाद का रहने वाला है. शैलेश भाई टीकू वीरेंद्र सिंह राजपूत, ये पांडेसरा सूरत का रहने वाला है. ये तीनों एक ग्रुप में एक साथ काम करते थे. और किरण जुलाल पारदी, ये पांडेसरा का रहने वाला है और इसके साथ में 2 बाल किशोर. इस तरह से ये 3 ग्रुप थे. तो नॉर्मली ये इस तरह से 3-3 के टुकड़े में काम करते थे और अलग अलग जगह से सूरत के विस्तार से ये बाइक्स की चोरी करते थे. और अभी टोटल 15 जितनी बाइक रिकवर हुई है इनसे, जिनमें से 5 बाइक है वो पांडेसरा पुलिस स्टेशन में चोरी के गुनाह में मुद्दामाल के रूप में दर्ज थी. 2 बाइक है वो उधना पुलिस स्टेशन के गुनाह में थी. 1 बाइक अलथान पुलिस स्टेशन के गुना में, 1 बाइक सरथाना पुलिस स्टेशन के गुना में और 1 बाइक महाराष्ट्र के धारावी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज है, उसमें ये मुद्दामाल के रूप में थी. 4 बाइक ऐसी है जिनका इन्होंने बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर ये सब मिटा दिया है. तो उसकी हम पहचान करने के लिए हम लोग अभी RTO जो गुजरात के RTO हैं उनसे, महाराष्ट्र के RTO हैं उनसे पहचान करा रहे हैं. और ये सारी बाइक हैं वो गुजरात में से इनके पास से रिकवर हुई हैं. अभी इनमें से 4 लोगों के ऊपर दूसरे गुनाह पहले के दर्ज हैं अभी तक, जो हमने वेरीफाई किया है. उसका और वेरिफिकेशन अभी चालू है कि कहीं किसी और राज्य में अगर कोई गुनाह दर्ज है तो ईगुजकोप से और ICGS की मदद से हम लोग उसकी तपास कर रहे हैं. ई प्रिजन से भी हम लोग चेक कर रहे हैं. तो उसका लिस्ट बना के और बाद में उसके तहत और जो कार्यवाही होगी, और कोई अगर आरोपी इनके साथ में इन्वॉल्व होगा तो उन सब के बारे में भी तपास की जाएगी. हाँ, अभी उन्होंने जितना बताया है कि बाइक ही रिकवर हुई है और वो लोग बाइक ही चोरी करते थे. और अभी अभी सारी बाइकें जो है उनके खुद के पास से रिकवर हुई है. तो हम लोग भी तपास कर रहे हैं कि आगे का जो चैनल है उसके बारे में हम और तपास कर रहे हैं. किसी और स्टेट में बेचते हो या बाइक का और कोई यूज़ करते हो तो उस दिशा में भी हमारी तपास चालू है. अभी ये 7 पुलिस के पास में और उनसे पूछताछ चल रही है. सर, ये चोरी करने के पीछे मकसद क्या था? चोरी करने के पीछे का मकसद जो है उसके बारे में हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं कि ये खुद यूज करने वाले थे या प्रॉफिट लेके बेचने वाले थे. तो ये पूछताछ के बाद में एक बार क्लियर होगा. अभी इन्होंने सिर्फ बाइक चोरी करना कबूल किया. अगर और कोई वाहन की चोरी करते हैं या किस तरह से अगर कोई रैकेट में काम करते हैं तो वह सारी चीज़ें एक बार पूछताछ के बाद में सामने आएंगी.